बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय की प्रधानाचार्यों ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन RS गौतम, IPS DCP काशी जोन, संचालिका डॉ. जयशीला पांडे, दोनों विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद गणेश पूजन किया गया, तदुपरांत मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलित कर खेलकूद समारोह का शुभारंभ कराया गया, साथ ही बच्चों द्वारा खेलकूद नियमावली का शपथ ग्रहण किया गया। खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में छोटे बच्चों का जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, वेजिटेबल रेस तथा बड़े बच्चों का रेस लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, चेस एवं कैरम सम्मिलित रहा। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉ. जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को यह संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे, बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। मैडम, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। थोड़ा हाथ नीचे करिएगा, ये थोड़ा में निष्ठापूर्वक भाग लेंगे और इसके नियमों परिनियमों का पालन करेंगे। ये पे रख दीजिए। आचार्य सीताराम महाविद्यालय के प्रांगण में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के 54वें खेलकूद कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें
विद्यालय के प्रबंधक साहब, विद्यालय के प्रबंधक साहब की माजी प्रिंसिपल साहबान, समस्त विद्यालय परिवार और विद्यालय के बच्चों ने मार्च पास्ट किया व साथ ही साथ गणेश वंदना मंच पर प्रस्तुत की गई। ये 3 दिवस खेलकूद के कार्यक्रम प्रांगण में चलेंगे। विद्यालय पठन पाठन के साथ जो नई शिक्षा नीति में शरीर को बलिष्ठ की बनाने की भी बात कही गई है कि तन से भी सुंदर और मन से भी सुंदर बच्चे बने, उसको चरितार्थ करने के लिए विद्यालय में बहुत ही अनुशासित ढंग से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। मैं सभी आयोजक मंडल को, विद्यालय परिवार को और प्रबंधक साहब की माँ जी को और प्रबंधक साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई दी। सर, पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी है छात्रों को ये क्या करना है? आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए मन की सुंदरता के लिए शरीर की सुंदरता का होना भी अति आवश्यक है। यहाँ सुंदरता का मतलब कि स्वस्थ होना, हेल्दी होना, ये आवश्यक है। इसलिए जहाँ एक तरफ मानसिक विकास के लिए पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, वहीं शरीर स्वस्थ होने के लिए खेल कूद का और नियमित व्यायाम का, पीटी का, योग का होना भी आवश्यक है। और उसी कड़ी में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में संपन्न हो रहा है।